सही झूठ बोल रही है, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। रूठ सही नहीं बोल रही है, झूठ तुम बोल रही हो। बाकी तुम्हारे मुंह से निकली एक एक बात झूठ है। अरे अपना ड्रामा अब तो बंद करो। बीनो, शिवानी विनायक को अंदर कमरे में लेके जाओ, सुला दो उसे। नहीं नहीं प्लीज। बाकी नहीं, सोच भी नहीं सकता था हमारे बच्चे को अपनी कोख में पालने के लिए तुम इतने गलत हथकंडे अपनाओगी, इतने गैर कानूनी हरकत करोगी। विराट, सही की बात का यकीन मत करो, तुम मेरी बात तो किसकी बात का यकीन करूं, तुम्हारी। उसने जिसने गीता को गुमराह किया, और सबसे बड़ी बात मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला करवाया। नहीं, नहीं, नहीं। अगर सही को कुछ हो जाता तो मुझे पहले से ही शक था तुम्हें मेरी सही से तकलीफ है, लेकिन तुम उस पे हमला करवाओगी ये तुम अपने में भी नहीं सोचा था। बंदरे लेखा पत्र लिखा, क्या सच है? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूं, क्या यह सच है? हाँ बड़ी मामी। लेकिन मेरा इरादा सही को नुकसान पहुंचाना नहीं था, मैं बस विराट के बच्चे की मां बनना चाहती थी। मैंने जो किया विराट के लिए किया बस। आखिर आ गई ना आपके मन की बात जबान पर। विराट सर के बच्चे को सिर्फ इसलिए ऐसा किया? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो किया वो विराट के लिए किया, वो तुम्हारे लिए किया, इस परिवार की खुशी के लिए किया। आखिर इस खानदान के चिराग को जन्म मैंने ही दिया है ना। आपने विनायक की जान को खतरे में डाला है। अगर आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होती तो मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आता। तो आपको पता था कि विराट सर और मेरे लिए यह प्रक्रिया कितनी जरूरी है। हमारी आखिरी उम्मीद थी पाखी दीदी, फिर भी आपने ऐसा किया। लेकिन आपके लिए तो ये सब सिर्फ खेल था ना। अगर प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हुई तो खेल में आप जीती, वरना मैं हारी। हमारे बच्चे की जिंदगी की आपकी नजर में कोई कीमत नहीं थी पाखी दीदी। मेरा भी बच्चा है। वैनी, आपको पता था ये सब कुछ? पता था या फिर आपने जानबूझ के पत्र लेखा के गुनाहों पर पर्दा डाला था? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। वो तो आखिरी मौके पर पत्र लेखा को मैंने हॉस्पिटल आने के लिए कहा क्योंकि गीता नहीं आई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसने ऐसा जाल बिछाया है। मेरा दिल भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये क्या है? अपने ही घर की एक बहू दूसरी बहू के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रही है, और वो भी घर के चिराग को खतरे में डालकर। जी नहीं पत्र लिखा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई नहीं, इस परिवार के लिए तूने जो कुछ भी किया, मेरा मान बढ़ गया था तेरे लिए, पर अब तुम मेरी नजरों से गिर गई हो।
सर, हमें इन्हें गिरफ्तार करना होगा। विराट, मैं मानती हूं कि इसने गुनाह किया है, लेकिन इसे सजा मैं दूंगी। यही सवार निवास में, तो इनसे कह दे ये चले जाए। कुछ भी कहो, लेकिन बदले का है तो घर की बहू, पर घर की बहू जेल चली जाए ये ठीक नहीं है। घर की बात घर में ही रहने देते हैं, वरना हमारे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। नहीं काकू, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस घर के कानून से बड़ा है इस देश का कानून। पाखी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, इसके खिलाफ वारंट निकला है, अब तो ये जेल जाएगी। आप प्लीज अपना काम कीजिए। नहीं 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 विराट, प्लीज 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 मुझे गिरफ्तार मत करो। मेरा 15 दिन का बच्चा है विराट, उसे उसकी माँ की जरूरत है। जब उसे भूख लगेगी तो उसे मैं ही तो संभालूंगी। तुम ऐसे कैसे मुझे गिरफ्तार करवा सकते हो विराट, प्लीज ऐसा मत करो। विनायक को मैं पाल लूंगी पाखी दीदी, मेरे बच्चे की फिक्र आप मत कीजिए, आप सिर्फ अपनी चिंता कीजिए, क्योंकि आज आपको गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता। दीवारे दीवा, मतलब चौहान खानदान की दूसरी बहू भी जेल जाएगी। पहले सही, अब पत्र लिखा। और तो और इस घर की सबसे आदर्श बहू ने सबसे बड़ा कांड किया, मतलब काकू जिसे मानती थी सबसे होनार, वो तो निकली एक गुनेगार। अब तो हमारी मोहल्ले में बहुत थू-थू हो जाएगी। आई करिश्मा, चुप। विराट, अरे बहनी कह रही है ना कि पत्र लेखा को उसकी गलती की सजा मिलेगी, खामखा बहस क्यों कर रहे हो? खामखा? ओमिका का मेरे बच्चे की जान को खतरे में डालना, मुझ पर हमला करवाना, गीता और उसके पति को गुमराह करना, आपको ये सब खामखा लग रहे? ओमिका का बड़े बच्चों की गलतियों की सजा देते, गुनाहों की सजा कानून देता है, और पाखी दीदी ने गुनाह किया है और अपने गुनाह की सजा मिलेगी उन्हें। आज उन्हें गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता।